हाउ टू चेंज ए मोबाइल नंबर इन एटीएम मशीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नैनीताल बैंक या फिर किसी भी बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं एटीएम के जरिए से। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। तो दोस्तों, जब भी आप एटीएम पे जाती हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड भरना होगा। जो पिन कोड आप पैसे निकालने वक्त आप यूज करते हो वो पिन कोड आप भर दीजिए यहाँ पे 4 डिजिट का, और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक चेंज मोबाइल नंबर। तो हम अभी मोबाइल नंबर चेंज करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे चेंज वाला बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि नया मोबाइल नंबर भरने के लिए जो मोबाइल नंबर आप चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद करेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज सेंड ओटीपी एंड रेफरेंस नंबर रिसीव्ड इन एसएमएस फ्रॉम ओल्ड एंड एज वेल एज एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर टू द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अभी आपको क्या करना होगा, आपको अपना पुराना नंबर में और नया नंबर में दोनों में आपको एसएमएस मिला होगा, जिस एसएमएस में आपको एक ओटीपी और रेफरेंस नंबर आया होगा। ठीक है, तो आपको उस ओटीपी और उस रेफरेंस नंबर को मैसेज करके 567676 पे आपको भेजना होगा। या फिर आपका जो है दोस्तों, ये बेसिकली हर बैंक का अलग अलग नंबर रहता है, आपके केस में दूसरा नंबर भी रह सकता है, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है उसमें आपको भेजना होगा। सपोज कि दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज कि आपको रिसीव्ड हुआ यहाँ पे मैसेज। ठीक है, मैसेज इस प्रकार से रिसीव्ड होगा। यहाँ पे आपका जो है दोस्तों, ये मैसेज रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ओटीपी है और ये आपका रेफरेंस नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक्टिवेट मैसेज टाइप करना होगा और यहाँ पे आपको भरना होगा अपना ओटीपी, और उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भरना होगा और एसएमएस कर देना है ये नंबर पे, जो नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा आपके एटीएम मशीन में वो नंबर पे आपको भेज देना होगा। ठीक है, तो जैसे आप भेज देते हो आपका मोबाइल नंबर जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको नया नंबर से भी ये मैसेज भेजना है और आपका पुराना वाला नंबर से भी मैसेज भेजना है। इस प्रकार से जो है आप अपना नंबर को जो है चेंज कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपका पुराना नंबर खो चुका है तो दोस्तों वो केस में क्या होता है कि आप डायरेक्ट बैंक चले जाइए, बैंक में जाके एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर दीजिए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, एग्जीक्यूटिव से बताइए कि आपका पुराना नंबर खो चुका है, तो आपका नया नंबर जो है वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप आसानी के साथ जो है आप एटीएम से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जो है आप बदल सकती हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।